So hey guys, good morning and welcome to my new vlog. बहुत दिनों बाद ये vlog आ रहा है, उसके लिए sorry, but मैंने एक break वगैरह ले लिया था, उसके लिए मैं एक अलग से video बनाऊंगा, वो देख लेना। फिलहाल आज है करवा चौथ और आज मम्मी का व्रत है और जतमसी का भी। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे कड़ी बना रही हैं और मम्मी के हाल लेते हैं। तो मम्मी अभी फिलहाल कैसा फील कर रही हो? अच्छा, इधर आओ, इधर आ ले रहा है। हाँ मम्मी, अब बताओ क्या फील कर रहे हैं? मतलब भूख लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी, बस चाय की थोड़ी लगती है तलब, और चाय मिली नहीं तो कोई बात नहीं, व्रत है इसलिए। और अब हम बना रहे हैं कड़ी और चावल और फिर बनाएंगे खीर, और रात को नहीं नहीं अभी, और रात को बनाएंगे पनीर की सब्जी, रायता और पूड़ी। ओके, और फिर होंगे हम तैयार। और अभी हम घूम रहे हैं भाई मम्मी के साथ, ये रहता है कि मम्मी कैमरा के सामने ना ऐसे ऐसे बोलती रहती है, मतलब बढ़िया। चलो मम्मी ऐसे सपोर्ट वगैरह करती हैं कि हाँ चलो वीडियो बन रही है, थोड़ा कुछ अलग करें। बाकी इधर से जतमसी लगी पड़ी है कपड़े फोल्ड करने में। जतमसी का पहला है तो कितनी भूख लगी है? भूख तो अभी नहीं लग रही है, बस चाय की मुझे तलब लगी हुई है। हाँ भाई, दोनों खुशी है। और अभी नहा के आए तो थोड़ी भूख भी लग रही है, और बार बार ये लग रहा है मैं जल्दी खाना खा लूं बट खाना खाने से ज्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है इसलिए। चलो बहुत अच्छी बात है, सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे इतने हो चुके हैं और मैं मदद नहीं करा रहा, भागो। मैं मोटा मोटा बताऊँ तो भाई मैंने एक ब्रेक लिया था भाई अपने लिए, कि हाँ कुछ दिन अपने आप को टाइम देता हूँ, थोड़ा यू नो संभलता हूँ, चीज़ें सोचता हूँ। बिकॉज जब हमें किसी करते रहते हैं ना तो मतलब मन ऊब जाता है कि हाँ भाई अब थोड़ा रुक भी जाता। तो मैंने ले लिया, पिछले दो हफ्ते से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला या पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई रील नहीं डाली, तो ये चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं था, मेरे पे 3-4 वीडियो का कंटेंट था। लाइक मेरे को अभी एक डेयर वीडियो भी शूट करनी है, और मैं जिम भी जाना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो फिर वीडियो आएगी और बहुत कुछ हो चुका है। बट हाँ आपसे आ जाया करेंगे, एंड आई एम सॉरी बट यार देखो ज़रूरी होता है। चलो अब आपको बोर नहीं करेंगे, अब मैं चीज़ दिखाऊँगा। फिलहाल मैं भी मोबाइल में भी बातें करूँगा, बिकॉज लैपटॉप गया ठीक होने, तो या मज़े करते हैं फिलहाल, फिर बात करना पड़ेंगे। फिलहाल मैंने सोचा था कि मज़े करूँगा और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, आधे घंटे पहले बात बोलती, आधे घंटे से लाइट जा चुकी है भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है। और ऊपर से ये भसड़ और मची पड़ी है, पूरी अलमारी खुली पड़ी है, एंड कपड़े दर्द करने देखो इतने सारे, मतलब हो क्या रहा है कि कपड़े धुलते वगैरह हैं नीचे फोल्ड होते हैं, नीचे रख रहते हैं हम ऊपर ही लाते, तो अब सब सेट करना है मेरे को। चलो सेट करते हैं और फिर देखते लाइट कब आएगी यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ऊपर का मैंने काम किया और फिर लाइट आ गई थी नीचे, फिर मैंने लगाया चार्जिंग पे मोबाइल। चार्जिंग पे मोबाइल लगाने के बाद मैंने जैसे ही लगाया कुछ ये हो गया भाई, मेरा चार्जर टूट गया मेरा। यार मेरे को बुरा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि सस्ता आता है ना, मतलब लोकल यार, और इसने तो देखो महंगा ही है सब, तो बेकार लग रहा है। सिर्फ 12% बैटरी है, तो मेरी तुम मैं जा रहा हूँ बुझ गया, मेरी दुकान है वहाँ से लूँगा, और मम्मी का सामान भी है वो भी लेके आना है, तो भी चलेंगे, बाकी मेरे भी बैटरी नहीं है, कोई बात नहीं। बट हाँ यार ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, खर्चे ना मेरे को अच्छे नहीं करवाना पापा के घर, तो क्या करें मजबूरी है। सो आ गया था मैं बुध बिहार और चार्जर वगैरह ले लिया था और मिल गया आराम से, बढ़िया अब चार्ज वगैरह हो रहा है, टेंशन खत्म हो गई है। मम्मी के भी जो भी काम थे वो सारे कर लिए, अभी फिलहाल रितु मौसी वगैरह सब लोग हमारे साथ जा रहे हैं। रितु मौसी श्रेया हेलो हेलो हंस दो। सो हम सब जा रहे हैं, मतलब मैं लेके जा रहा हूँ, सेक्टर वाइज ही हम लोग जा रहे हैं। चलो चलते हैं, अभी का टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, घर पे हम लोग आ चुके हैं और फिलहाल मैं करूँगा यहाँ पे पढ़ाई, श्रेया भी उधर करेंगी अपना काम। आपको भी दिखाऊं, मतलब इन्होंने बोल के अपने आप को दिखवाया है, कुछ तोड़ दिया वालू ने क्या तोड़ा? अरे <आवे? laughs>
भाई छाड़ दे थोड़े थोड़े और बाकी मम्मी रहोगी थी पहले भी पिंक सूट में मम्मी का गुस्सा चेंज था मम्मी का गुस्सा चेंज दादी कह रहा है पिंक नहीं है वो देखो मेरे से कह रही कि तू थोड़ा इधर भी दिखाओ इधर कैमरा ऑन है इधर भी दिखाओ तो चलो फिलहाल पढ़ते हैं जाके और हाँ बेबड़ी भी आ गई स्कूल से बाकी अभी कर रहा हूँ पढ़ाई लेकिन इधर साइड मम्मी जितु मौसी और रितु मौसी भी आएंगी सब सुन रहे हैं कथा उधर साइड चल रही है कथा और यहाँ पे ये है और बाकी मैं नहीं जानता कि क्या होता है बट जो भी होता है अब कर रहे हैं और ये देखो कथा करने देते हैं और हम लोग चलते हैं। ओके सो फिलहाल मेरा आधा काम हो चुका है और आधा बचा है तो टेंशन अब मेरे को ज़्यादा है नहीं पहले थी फिर मैंने कर लिया आधा काम फिलहाल मैं खा रहा हूँ इधर साइड कढ़ी चावल बहुत भूख लगी थी और फिर जिम भी तो जाना है तो अभी कढ़ी चावल खा रहा हूँ 5:30 हो रहे हैं और फिर 6:15 मतलब 6:15 के करीब फिर मैं अंडे खाने जाऊँगा और फिर जिम तो हाँ ये प्लान है आज का तो चलो खाते हैं काम करते हैं और फिर जिम के लिए निकलेंगे तो फिलहाल भाई हम जा रहे हैं जिम और इधर चल रही है पैकिंग जो कि मौसी लाए थे बहुत अच्छा गिफ्ट भाई गिफ्ट बाद में दिखा देंगे लास्ट में ब्लॉग में बने रहो और चलो फिलहाल मैं चलता हूँ जिम 6:30 है मैं जल्दी आ रहा हूँ जल्दी आके काम भी करना है तो हाँ चलते हैं तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और अभी पापा नहीं आए हैं मौसा जी मतलब कि जतन मौसी वाले मौसा जी और रीत मौसी वाले मौसा जी दोनों लोग आ चुके हैं फिलहाल मैं जिम से भी आ चुका हूँ आस्था बाई सब डे और एकदम बढ़िया चलो फिलहाल दिखाते हैं सब कुछ और सब लोगों को दिखाते हैं जो कुछ भी होगा रसम वसम सब दिखाते हैं ब्लॉग में बने रहो बाकी यार जो गिफ्ट है ना भाई जतन मौसी वाले मौसा जी का बहुत प्यारा है तो बने रहना प्लीज़ चलो दिखाते हैं सबको जो अगला सीन होगा वो होगा पापा मम्मी का क्योंकि हुआ क्या था पापा हुए थे लेट तो मम्मी ने पूजा वगैरह सब कर ली थी बस व्रत तोड़ने के लिए पापा का वेट था और अब देखो सीधा अगला सीन म्यूजिक में जो भी होगा पापा मम्मी का खोलो खोलो आगे वाला इतना बड़ा गिफ्ट बोलो तो भाई ऐसा करवा चाहो तो कुछ भी हैप्पी करवा चाहो उनको पता नहीं फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं माय लव हैप्पी करवा चाहो माय लव अरे चलो बिना इमोशन हैप्पी करवा चाहो थैंक यू मेन काटना बाकी बोल रहा आपने भी तो ऐसे ही मौज जी को दिया था ये सही है ये वाला
तो ऐसा ही कुछ बना मम्मी वगैरह सबका करवा चौथ ब्लॉग को करके गाइस यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो सेलिब्रेट को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी फैमिली दोस्तों से शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।